नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी कक्षा तीसरी की भाषा माधुरी का पाठ 11 चू चू की टोपी का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह एक नाट्य पाठ है। आशा करते हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाठ 11 चू चू की टोपी की ओर। पाठ 11 चू चू की टोपी। बच्चों, मैं इस नाट्य पाठ को पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण करना। और हाँ, आप इस पाठ को नाट्यात्मक रूप से अपने मित्रों के साथ या भाई बहन के साथ प्रस्तुत करके भी देखना। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में प्रमुख पात्र है एक चूहा और अन्य पात्र है अन्य चूहे, दर्जी और गोटे वाला। दृश्य 1। एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। वहां उन्हें एक गठरी मिलती है। एक चूहा गठरी खोलता है, उसमें से लाल रंग का एक कपड़ा निकाल लेता है। कपड़े को देखकर वह बहुत खुश होता है। समझ गया ना आपको कि कमरे में कौन उछल रहे हैं? चूहे। और उनमें से एक चूहे को एक गठरी मिलती है, जिस गठरी में लाल रंग का एक कपड़ा होता है, और उस कपड़े को देखकर वह चूहा बहुत खुश हो जाता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। चूहा कपड़ा दिखाते हुए, आहा, यह कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, मैं इसकी एक टोपी बनाऊंगा। कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। चूहा कपड़ा लेकर बाजार जाता है, बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। देखा आपने, चूहे को जैसे ही एक कपड़ा मिला, उसे देखकर वह क्या सोचने लगा कि उस कपड़े से वह एक प्यारी सी टोपी बनवाएगा। दर्जी के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मेरी एक टोपी अच्छी सी सिलवा दे भैया। आइए आगे पढ़ते हैं। यह सोचकर वह आगे बाजार की ओर बढ़ा। अब है दृश्य 2। यानी पहले दृश्य में हमने कमरे का चित्र देखा और अभी दूसरे दृश्य में बाजार में दर्जी की दुकान। बाजार में लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं। चूहा दर्जी वाले की दुकान में जाकर क्या कहता है देखो तो। चूहा दर्जी से कहता है, दर्जी भैया, दर्जी भैया, जरा मेरी टोपी तो सिल दो। दर्जी कहता है फटकार कर, चल हट, मैं नहीं टोपी सिलता, मुफ्त में काम कराने आ गया। चूहा कहता है, देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। दर्जी गुस्से में कहता है, नहीं तो क्या करेगा। चूहा कहता है, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद दर्जी चूहे को सुनता है और डर कर कहता है, ला भाई तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। देखा बच्चों, कितना शैतान है चूहा, दर्जी से भी नहीं डरा, लाल रंग का कपड़ा लेकर सीधा दुकान में गया और उससे जिद करने लगा कि मेरी टोपी सिल दे। और जब दर्जी ने मना किया तो उल्टी धमकी दर्जी को देने लगा। कौन सी धमकी? कि रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा और कुतर कुतर के सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा, है ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं। चूहा कहता है अपने आप से, आहा, टोपी पहनकर कितना मजा आएगा। दर्जी कहता है, चूहे भाई यह लो, आपकी टोपी सिल गई। चूहा कहता है, भाई वाह, टोपी
टोपी तो बहुत बढ़िया सिली है, इस टोपी में गोटा लगवा लूं तो मेरी यह टोपी चमकने लगेगी। यह सोच चूहा फुदकता हुआ गोटे वाले की दुकान पर जाता है। देखा ना आपने कि दर्जी ने जैसे ही टोपी चूहे को सिल कर दी, वह बड़ा खुश हो गया और सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस टोपी में गोटा लगवा लूं जिससे मेरी टोपी चमकने लगेगी। यह सोचकर वह गोटे वाले की दुकान पर जाता है। अब गोटे वाले की दुकान पर जाने पर क्या हुआ, यह तो हम अगली एक कक्षा में ही पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आइए अब पढ़े हुए भाग में आए कुछ नए शब्द देख लेते हैं। बच्चों अपनी कॉपी और पेन ले लो और इन सभी नए शब्दों को लिख लो। पात्र, भूमिका अदा करने वाला। गठरी, पोटली, कपड़ा, वस्त्र। खुश, प्रसन्न। दर्जी, कपड़े सिलने वाला। बढ़िया, सुंदर और बहुत अच्छा। अब समय है गृह कार्य का। बड़ा आसान सा गृह कार्य है आज का। पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, खाली कमरे में चूहे क्या कर रहे थे। ख, चूहों को क्या मिली। ग, गठरी में चूहों को क्या मिली मिला। घ, चूहा किसकी दुकान पर गया। अंग, चूहे ने दर्जी से क्या सिलने को कहा। बड़े आसान से हैं ये सारे के सारे प्रश्न, आप इसे जल्दी पूरा कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न दो की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में योग्य स्थान पर बिंदु, चंद्र बिंदु और नुक्ता लगाइए। अभी मैंने आपको जितना पाठ पढ़ाया उसके आधार पर नीचे दिए गए शब्दों में बिंदु, चंद्र बिंदु और नुक्ता की कमी है, आपको इन्हें योग्य स्थान पर लगाना है। क, रग। ख, जाऊगा। ग, दर्जी। ख, तुम है। अंग, मुक्त। च, मैं। ठीक है बच्चों, आसान से गृह कार्य है, मुझे विश्वास है आप इसे तुरंत पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली एक कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।